हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन सर मैक्स। थर्ड बिट, इसका भी ग्राफ हमको करना है। सबसे पहले इसका फ्रैक्शन चेंज करेंगे। 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7। ये ऑलरेडी फ्रैक्शन में इसका चेंज करेंगे। 2 3 क्या हो जाएगा, एलसीएम 6 हो जाएगा। 3 3 9x हो जाएगा। 2 5 10 हो जाएगा, इज इक्वल टू 7 एज इट इज ले लेंगे। अब 9x प्लस 10y इज इक्वल टू, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 6 7 42 हो जाएगा। तो ये पहले वाला इक्वेशन है। दूसरे वाला इक्वेशन क्वेश्चन के अंदर 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 12 गिवन है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, a1 इज इक्वल टू हो जाएगा 9, b1 इज इक्वल टू हो जाएगा 10, c1 इज इक्वल टू हो जाएगा 42, a2 इज इक्वल टू हो जाएगा 9, b2 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 10, c2 इज इक्वल टू हो जाएगा 12। अब a1 बाई a2 अगर आप करेंगे तो 9/9, 9 1 9 1 इज इक्वल टू 1 आ गया। b1 बाई b2 अगर आप करेंगे तो 10/-10, 10 1 10 1, इसका आंसर आ गया -1। c1 बाई c2 आप करेंगे तो 42/12 आ गया। 2 2 4 2 1 2 2 6 2 3 2 7, c1 बाई c2 इज इक्वल टू आ गया 7/3। ये तीनों भी अलग अलग है, इसलिए देयरफॉर यहाँ पर लिखेंगे a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। ये तीनों भी नॉट इक्वल टू रहेंगे तो क्या रहेंगे, कोइंसिडेंट रहेंगे। मैनी सॉल्यूशंस इसके आएंगे। ये कोइंसिडेंट हुए बाद अब दोबारा क्या करना है, इसको हम ग्राफ के अंदर प्रूफ करना है। अब पहले वाला देखेंगे इक्वेशन क्या है हमारे पास, 9x प्लस 10y इज इक्वल टू 42 है। दोबारा इसका हम इस तरह बॉक्स डालेंगे, यहाँ पर x लेंगे, यहाँ पर क्या लेंगे, y लेंगे। अब इसके अंदर आप कुछ भी अपनी मर्जी से वैल्यू ले सकते हैं। सपोज 0 लेंगे, 1 लेंगे, क्योंकि वैल्यू ज़्यादा है इसलिए 0 और 1 ले लेंगे। चलिए अब फर्स्ट सब्स्टिट्यूट कीजिए, 9x हटा के वो 0 रखेंगे प्लस 10y इज इक्वल टू 42 हो जाएगा। 9 × 0 0 हो जाएगा प्लस 10y इज इक्वल टू 42 हो जाएगा। अब 10y इज इक्वल टू 42 हो जाएगा। अब y इज इक्वल टू 42/10, 10 1 10, 10 4 10 2 y इज इक्वल टू हमारा हो गया आंसर 4.2, तो यहाँ पर रखेंगे 4.2। अब उसी तरह सेकंड में क्या करेंगे, जहाँ पर भी x है अब 1 रखेंगे, 9x प्लस पे 1 प्लस 10y इज इक्वल टू 42, 9 1 9 प्लस 10y इज इक्वल टू 42, 10y इज इक्वल टू 42, इस तरफ ला लीजिए -9, 10y इज इक्वल टू, इन दोनों को माइनस करेंगे आप तो आपका आंसर आ जाएगा 31। ये आंसर आ जाएगा आपका 31। तो 42 − 9 = 33 हो जाएगा, 42 − 9 = 33। दोबारा से y इज इक्वल टू 33/10, 10 1 10 3 0.3 y इज इक्वल टू आंसर आएगा 3.3। तो यहाँ पर आप रख सकते हैं इसका आंसर आ गया 3.3। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। उसी तरह सेकंड इक्वेशन आप ले लीजिए, सेकंड इक्वेशन 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 12 है। इसका भी दोबारा हम बॉक्स ले लेंगे, इस तरह बॉक्स बनाएंगे तो यहाँ पर हमारा x और y हो जाएगा। इसके अंदर भी हम जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे इसके अंदर, सपोज वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं आप, 2 ले लीजिए, 1 ले लीजिए, कुछ भी हम ले सकते हैं। अब सपोज सब्स्टिट्यूट कीजिए, 9x प्लस में 2 रखें, माइनस 10y इज इक्वल टू 12, 9 2 18 हो जाएगा, माइनस 10y इज इक्वल टू 12 हो जाएगा, माइनस 10y इज इक्वल टू 12, इस तरफ ला लीजिए -18, माइनस 10y इज इक्वल टू, इन दोनों को माइनस कीजिए आप क्या बच जाएंगे, -6, माइनस माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 6/10 क्या हो जाएगा, 10, 6 को आप 10 से डिवाइड करेंगे, 0 0, 10 6 0, y इज इक्वल टू आंसर आ जाएगा आपका 0.6। तो यहाँ पर रख सकते हैं 0.6। उसी तरह 1 रखीजिए सेकंड में, जहाँ पर भी x है 1 रखे, 1 माइनस 10y इज इक्वल टू 12, 9 1 9 हो जाएगा, माइनस 10y इज इक्वल टू 12, माइनस 10y इज इक्वल टू 12, इस तरफ ला लीजिए -9, माइनस 10y इज इक्वल टू, इन दोनों को अगर हम माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3, y इज इक्वल टू 3/-10, 10 1 10 0.3, y इज इक्वल टू -0.3। तो यहाँ पर रख सकते हैं आप -0.3। ये आपको बॉक्स बन गया। अब इसको, ये लाइंस को हमको कोइंसिडेंट प्रूफ करना है, तो इसलिए हम दोबारा क्या करेंगे, सेम एज इट इज लेंगे। इसके अंदर हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे। ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, यहां पर हम लिखेंगे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, यहां पर लिखेंगे 1 2
थ्री फोर, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव माइनस सिक्स माइनस सेवन। स्केल लिखेंगे, एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, वाई एक्सिस भी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। अब देखिए 0 से 4.2, 1 से 3.3, 0 ये लाइन 0 है, 0 से 4.3, ये 4.3 मतलब यहाँ पर लेना है, उसी तरह 1 से 3.3, 1 से 3.3 का मतलब क्या है, ये यहाँ पर लेना है। ये दो लाइंस इस तरह बंद है, यहाँ पर क्या करेंगे हम एक लाइन ड्रा करेंगे, ये हमारी लाइन होगी। उसी तरह यहाँ पर देखिए 2 से 0.6, ये 2 है, 2 से 0.6, 2 और 0.6 यहाँ पर ले लेंगे 0.6, 1 से -0.3, 1 से -0.3 यहीं पर ले सकते हैं। ये लाइन ऐसी आ रही है, ये लाइन इंटरसेक्ट लाइन बन रही है, क्वेश्चन के अंदर पर कोइंसिडेंट आ रही, लेकिन यहाँ पर ग्राफ में इंटरसेक्ट लाइन बन रही। एक बार इसको आप करेक्शन करके कर लीजिए। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलिए, ताकि नए आने वाले वीडियोस आप तक जल्दी पहुंचे।